राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आए हैं हम माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि झांकी लग रही है, नौ दुर्गा का टाइम है। और देखिए, दर्शन कीजिए आप। और इसके बाद जाएंगे हम सीधा हवन में। अब पहुंच चुके हैं हम सीधे हवन में, जिस गली से हमारी शादी हुई थी, जिस गली में मेरी शादी हुई थी, जिस गली में मैं शादी होके आई थी, उसी गली में हम हर साल जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। क्यों ना, नौ सालों से माता रानी ना बिरा जहाँ पर बैठती हैं उनकी पूजा की जाती है, और सभी लोग ना आते हैं दर्शन करने के लिए और काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब ये बन चुका है पूरा हवन, रंगोली भी पूरी तैयार है हवन पे, और ये बैठे हैं माता रानी, और 56 प्रकार का भोग भी लगा है। और सभी लोग है ना हवन सामग्री वगैरह जो जो ना देना चाहते हैं वो सब दे रहे हैं, क्योंकि उस दिन है ना हवन होगा, रात को अष्टमी अष्टमी भी है और हवन भी होगा माता रानी के। देखो कितना प्यारा श्रृंगार है, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। और नवदुर्गा भी बैठी हैं माता रानी, क्योंकि इस साल ये आखिरी साल है, नौ साल बैठ चुकी हैं। और इसके बाद है ना, अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम तो मुझे पता नहीं है, पर है ना रात का टाइम है, पर ये सब बैठे हैं हवन का इंतजार करने के लिए। 11-12 बजे का टाइम है और ये हवन की पूछ रहे हैं हम सब लोग। और ये सब अब जो हवन सामग्री लेके आए थे उसमें हवन सामग्री हम मिला रहे हैं, अब ये देखिए आप। और हवन में इसलिए हम है ना, अभी ये हवन होगा, हम पूरी सामग्री इसमें मिला दिए, क्योंकि हवन इसमें हवन में बैठ नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे घर में सूतक लगाता, तो हमने जितना बना उतना किया, माता रानी की कृपा है और सभी लोगों पे बनी रहे। और तैयारी तो काफ़ी हो चुकी है, जो जिया जी हैं हमारी गली के, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे। और सबकी मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है। अब आ चुके हैं हम बाहर और सभी लोग तब तक सही है तैयारी कर रहे हैं, हमारी सामग्री भी तैयार हो चुकी है। के लिए और सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि ना सबकी मनोकामना पूरी हो। अभी हमन में सब बैठ चुके हैं और हवन वेदी भी तैयार है, और अब लगाए जाएंगी पूजा की लकड़ियाँ रखी हैं, जो पीछे साइड में आप देख सकते हैं लकड़ियाँ रखी हैं पूजा की। और पंडित जी विधि विधान से सब है ना हवन सामग्री वगैरह सब तैयारी करवा चुके हैं, जो विधि विधान से माता रानी का हवन होता है, तो महाराज जी है ना उसी प्रकार से पूरा हवन करवाएंगे। और देखिए पूजा की लकड़ियाँ अभी लगना चालू हो गई हैं, और अब इसके बीच में रखा जाएगा कपूर। और हम सभी लोग बैठे हैं हवन में, हम जो गली में जो गली से शादी होके आई थी उसी गली में सभी लोग हैं, जितने भी आसपास के सब हैं, दादी हैं, मामी हैं, ये गली में जितनी सब हैं। भगवान की जय, बोलो राम राम महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गजानं भूतगणाधिशे विदं गजनं गोपालचार भक्षण मुमासतं शोक विनाशकारकं नमामि गणेशुरपाद पंकजं भवाम। बर्फी दियो, बर्फी पुनी, बर्फी निकाल के दे। ज्ञानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, अमृताय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। अब घी भरेंगे चम्मच चमचे, घी गर्म कर लो। ₹356 आदम ले लो।
ढाई घंटे करीब हमन चलेगा, हमन चालू हो चुका है और सब आहूति भी दे रहे हैं और हमन में हम बैठे नहीं तो हम दूर से ही देख रहे हैं, अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं पर माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे और गली के लोग भी सब लोग सहायता करते हैं, हमन में सभी लोग गली के भी बैठे हैं और सब सहयोग करते हैं। अब ऐसे ही हमन सुबह तक चलेगा, अब इसके बाद फिर होगी आरती जो पूरी विधान से हमन हो रहा है और सब लोग स्वाहा स्वाहा बोलते जा रहे हैं। रात्रि का टाइम है पर सब लोग हमन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सब लोगों के संगे बैठ के। अब सुबह की हो रही है आरती जो हमन के बाद होती है, वो आरती होने जा रही है। चुप देना। हमन हो चुका है और आरती भी हो चुकी है, अब एक घंटे के लिए दिया है ब्राम, सभी लोग आराम कर लेंगे कि हमन में बहुत थक चुके थे बैठते हुए। और फिर उसके बाद होगा भंडारा चालू, खाने बनने की तैयारी और आप भी खूब इंजॉय करना क्योंकि अभी थोड़ी देर से होगा खाना बनने की तैयारी। इसी के साथ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।